Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Kalai. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लास्ट लेक्चर में इसकी समरी और इसका जो एक पार्ट है चैप्टर का वो कर चुके हैं. आप लोगों का चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. एट क्लास के चैप्टर है ये. आप लोगों की बुक है इट सो हैपेंड से. अब हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और इसके कंप्रिहेंशन चेक पर आए थे जो मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए दिया था. अब आप लोग इसके कंप्रिहेंशन चेक जो हैं खुद से कर चुके होंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं कर चुका है तो इसके कंप्रिहेंशन चेक वर्ड मीनिंग हम लोग करवाएंगे. ठीक है, आइए अब आगे हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर को आज पूरा फिनिश करेंगे. द जीनी रिमोनस्ट्रेट विद द कैमल हु सेड हम. अब जीनी क्या करता है, जाके कैमल से बात करने की कोशिश करता है, यानी उसे व्यवहार करने की कोशिश करता है. बट क्या करता है कैमल, क्या कहता है उसे हम. द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप. लंप यानी कि कुबड़ उगना, भार उग जाना. और जो कैमल थी उसकी सुंदर सी ब्यूटीफुल जो कमर थी उसके ऊपर सडनली अचानक से क्या हो जाता है, एक लंप यानी एक भार बनना शुरू हो जाता है. विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो क्या है कैमल का हम्प यानी कैमल का कूपड़. द जीनी एश्योर, एश्योर यानी दिलासा देना. द जीनी एश्योर द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस. हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधा यानी रुकावट. और जीनी उसे एश्योर करता है कि हमेशा आपका क्या रहेगा, एक हेल्प करेगा आपको और आपके लिए क्या नहीं है, बाधा नहीं बनेगा. द जीनी रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक. और उसके बाद जो जीनी अपने आप को रोल्ड घुमा लेता है किसके अंदर, डस्ट क्लॉक, वो जो धूल का लबादा है उसके अंदर. एंड लुक्ड अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट. और फिर क्या करता है, जो पूरा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसकी तरफ वॉक करने यानी चलने के लिए एक बार देखता है चारों तरफ. एंड फाउंड, और क्या पाता है, द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. यानी वो अभी अभी किसको ढूंढने के लिए निकला था, किसको ढूंढने के लिए निकला था बच्चों, कैमल को ढूंढने के लिए निकला था. और जो कैमल है वो उसने कहाँ पे देखा कि वो बैठकर एक पूल के पास अपनी खुद की रिफ्लेक्शन जो है वो पूल यानी वाटर के अंदर देख रहा है. माय फ्रेंड सेड द जीनी, जीनी ने कहा मेरे मित्र, व्हाट्स दिस, कि यह क्या है. आई हियर, मैंने सुना, ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क, कि तुमने क्या नहीं किया है, कोई भी वर्क नहीं किया है. जीनी आकर किसको बोलता है, कैमल को. द जीनी सेट डाउन, जीनी जो है फिर वहाँ पर बैठ जाता है कैमल के पास विद हिज चिन इन हिज हैंड. जैसे अपनी चिन जो है, चिन यानी ठोड़ी को क्या करके अपने हाथ पे रखे, जैसे तुम लोग पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पर बैठा है उसी तरह से. वाइल द कैमल लुकड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. वाइल यानी इसी दौरान वो जो कैमल है वो क्या कर रहा है, अपने ओन रिफ्लेक्शन खुद के प्रतिबिंब को उस पूल के अंदर देख रहा है. यू हैव गिवन द थ्री एक्स्ट्रा वर्क एवर सीन्स मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस. फिर वो कहता है कि यू हैव गिवन द थ्री एक्स्ट्रा वर्क, कि तुम्हें क्या है, तीन एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ेंगे. क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने सीन्स यानी कि कब से नहीं किए हैं, मंडे मॉर्निंग से, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस. यानी तुम्हारा काम करने वाला जो खाता है, जो तुम्हारा अकाउंट है, वो क्या है, आइडलनेस. यानी तुम कब से मंडे मॉर्निंग से आलसी बैठे हो और तुमने कोई भी काम नहीं किया है. और वो तीन क्या कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, थ्री एक्स्ट्रा वर्क, कब से, मंडे मॉर्निंग से. सैटरडे जीनी, जीनी ने कहा. एंड ही वेंट ऑन, और ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. और फिर से जीनी क्या करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, सोच में पड़ जाता है, क्या करके, अपने हैंड को अपनी चिन पर रखकर. ठीक है, तो आप नेक्स्ट देखते हैं इसका. हम सेट दी कैमल, कैमल ने तो क्या बोलना, तो कैमल को तो एक ही बात आती है बोलने के लिए, हम पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं. क्या बोल देता है वो तो हर बात के लिए, हम. आई शुड टू से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेट दी जीनी. फिर जीनी कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो
तो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी क्या करता, ये काम को कर लेता। आई शुडंट से दैट अगेन, मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहना चाहता। क्यों नहीं कहना चाहता? इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हें दोबारा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो इतनी नींद नहीं पड़ती कि मुझे बार बार बोलना पड़ता। सर्दी जीनी, जीनी ने कहा, यू माइट से इट वॉन्ट्स टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें वंस, एक बार बोल रहा हूँ, अक्सर बोलता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, तुम क्या करोगे? आई वॉन्ट यू टू वर्क, कि मैं क्या चाहता हूँ, तुमसे काम चाहता हूँ। एंड द कैमल सेड, हम, कैमल ने फिर से क्या बोला, हम अगेन, दोबारा से, बट नो सूनर, बिल्कुल भी देर नहीं लगे, सूनर यानी जल्दी भी, बिल्कुल देर नहीं लगी, नो सूनर, और ज़्यादा जल्दी भी नहीं, हैड ही सेड, क्या बोलने में उसको, हम्प बोलने में, तुरंत ही जवाब देता था वो, इट देन ही सा हिज बैग, और उसके बाद जब उसने क्या किया, अपनी बैग को देखा, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर वो क्या करता था, बहुत प्राउड करता था, पफिंग अप, पफिंग अप क्या हो रही थी, ऊपर उठ रही थी, एंड पफिंग अप इन टू अ ग्रेट बिग हम्प, और ऊपर उठ उठ कर किस में बन गई, वो एक बड़ी सी हम में यानी कूबड़ में कन्वर्ट हो गई। Do you see that? said the genie. फिर जीनी ने उसको बोला कि क्या तुम इसको देख सकते हो? That is your, your very own hump. ये तुम्हारा खुद का own hump, यानी ये तुम्हारा खुद का कूबड़ है, that you have brought up, जो तुम खुद लेकर आए हो, your very own self by not working, your, तुम्हारे खुद का है, own self, खुद के ऊपर लेकर आए हो, कैसे लेके आए हो, by not working, बिना काम करे। Today is Thursday, आज क्या डे है, थर्सडे। जिन्हें बोलता है किसको, किसको बोलता है बच्चों, कैमल को। जिन्हें बोलता है कैमल को कि आज क्या है, थर्सडे है यानी वीरवार है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने कोई भी वर्क डन नहीं किया है, कब से, मंडे से। व्हेन द वर्क बिगिन, जब से संसार के अंदर काम शुरू हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब क्या करोगे, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम वर्क करने के लिए जाओगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, फिर कैमल कहता है कि हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, वो भी इस हम्प को मेरी बैक के ऊपर लेकर, मुझसे तो काम होगा ही नहीं। दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जीनी, जीनी कहता है कि पर्पस, पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य, कि जो हम्प तुम्हारे ऊपर है ना, पीठ पे, इसका भी एक पर्पस है। सेड द जीनी, All because you missed those 3 days, क्योंकि तुमने क्या कर दिए हैं, 3 days miss कर दिए हैं, you will be able to work now for 3 days without eating, तो अब तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम कि तुम able हो यानी सक्षम हो काम करने के लिए, वो भी 3 दिन continue without eating, बिना खाना खाए, because you can live on your hump, क्योंकि तुम अपने इस हम्प के ऊपर लीव जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से, और तुम ये कभी भी मत कहना, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, इस डेजर्ट से बाहर निकलो, एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव, और उन तीनों के पास जाओ, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो और काम भी करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, और कैमल चला गया क्या करने के लिए, उन तीनों जो एनिमल्स थे हमारे, कौन कौन थे बच्चों, डॉग, ऑक्स, हॉर्स, उन तीनों के पास चला गया क्या करने के लिए, वेंट अवे, उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए, काम के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस, आज तक, द कैमल ऑलवेज हियर अ हम, कैमल हमेशा एक हम्प यानी एक कूबड़ डाले रखता है, वी कॉल इट हम, हम उसे क्या बोलते हैं, हम्प। नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, हम ये वर्ड जो है वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं बोलते, बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप, लेकिन ही हैज़ नेवर येट, येट अभी तक वो क्या नहीं कर पाया, कॉट अप, कॉट अप यानी पकड़ नहीं पाया, यानी पूरा नहीं कर पाया है, विद द 3 days दैट ही मिस्ड, वो 3 दिनों का काम वो पूरा नहीं कर पाया है, जो उसने मिस कर दिया था एट द बिगनिंग, शुरुआत में ऑफ द वर्ल्ड संसार के।
एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न नाउ हाउ टू बिहेव, और वो अभी तक ये नहीं सीख पाया है, नेवर येट अभी तक, येट यानी अभी, और नेवर नहीं, लर्न सीखना, हाउ टू बिहेव कि व्यवहार कैसे करते हैं, यानी अभी वो क्या करता रहता है, जुगाली करता रहता है। राइटर जो है आप लोगों का इसका, वो आप लोगों को ब्रीफ में इस राइटर के बारे में पता लग चुका है। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन इसके होते हैं, और जो हमारे पीछे वाले क्वेश्चंस हैं, आइए ज़रा वो देखते हैं कितने हैं, वो भी हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चन शॉर्ट्स जो हैं, हम लोग 1 by 1 करके इनको 2 लेक्चर्स में करेंगे और इनके वर्ड मीनिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर से लेके कोई भी क्वेरी है, किसी वर्ड का कोई मीनिंग पूछना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को उसका मीनिंग बता दूँगी। और साथ के साथ आप लोगों ने क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी उनकी एक फेयर नोटबुक प्रिपेयर करनी है, ठीक है। यू हैव टू शुड प्रिपेयर योर फेयर नोटबुक, और उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर क्या करना है, फेयर नोटबुक प्रिपेयर करके उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर्स मैं करवाऊंगी, आप यहाँ से वीडियो से स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर उसको फेयर नोटबुक में करेंगे। और आप लोगों के जो ये लास्ट वीडियोस हुए हैं मेरे इस चैप्टर के, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से पहले वाले जो चैप्टर हैं वो अच्छी तरह से ट्रांजैक्शन उसकी रीड कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।